बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्रम में आज हम स्टडी करेंगे पेरिसपर्म एंड पेरी, पेरी के डिफरेंस की पेरिसपर्म की बात करें तो इट इज द इन द के के अंदर आपने पढ़ा है, है, जिसमें बचा रहता है, used up नहीं होता है, उसको हम लोग इंडोस्पर्मिक बोलते हैं और जिसमें यूज हो जाता है उसको नॉन इंडोस्पर्मिक बोलते हैं एक आपने और पढ़ा है ब्लैक पेपर वगैरह में जब न्यूसेलस रिमिनेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बचा रहता है उसको हम लोग पेरी स्पर्म कहते हैं इट में ऐसा सीड जिसके अंदर न्यूसेलस बचा रहता है उसको पेरी स्पर्म बोलते हैं पेरी कार्प की बात करें तो पेरी कार्प इट इज द कवरिंग ऑफ फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी जो कि डेवलप होती है ओवरी से और ये फ्रूट की वॉल होती है पेरी स्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीड सीड का पार्ट होता है वही पेरी कार्प इज द पार्ट ऑफ फ्रूट पेरी स्पर्म इज यूजली ड्राई एंड पेरी कार्प ड्राई भी हो सकता है और फ्लैसी भी हो सकता है पेरी स्पर्म इज नॉन फंक्शनल फॉर द सीड इट इटमे सीड के लिए कोई फंक्शन नहीं करता है पेरी कार्प इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्शल एंड न्यूट्रिशन सीड के डिस्पर्सल में न्यूट्रिशन में हेल्प करता है पेरी कार्प तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अधिकतर कंफ्यूजन होता है बच्चों को पेरिकार्प का ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद